तन है ना, जितने प्रकार के दुर्गुण हैं उसका अभिमान है। कंस, मैं हूं बहुत बलवान। वो हाथियों को पकड़ करके ऐसा फेंक देता था, इसलिए जरासंध ने अपनी बेटियों के साथ में उसकी उसको भी क्षण मात्र एक सेकंड नहीं लगा उसको मारा। ये सब जितने धर्म के विरोधी थे सबको एक एक करके मारा, और मार करके इस धर्म की क्या जीव मात्र का यह कर्तव्य है कि भगवान की प्रेममयी सेवा करें। उनका श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शनम सख्यम आत्मनिवेदन, ये जीवों का धर्म है। और कुछ नहीं होता है, भगवान का नाम करो कलयुग में, ये परम धर्म है। इससे क्या होगा, भगवान तुम्हें पहले तो शरणागति से सब भार ले लेंगे, वो जो पहले बतला है, सब धर्मों का छोड़ने से तुम्हें जो पाप लगा वो दूर कर दूंगा, संसार से मोचन कर दूंगा, तुम्हारे जीवन निर्वाह का सारी भार हमारे ऊपर में है। इसलिए आज ही से ऐसा करना, भगवान का शरणागत होकर के देखो तो कितना उसमें सुख है। इस धर्म की उन्होंने प्रतिष्ठा की। और क्या किया दूसरा काम, एक और भी काम, ये असुरों का संहार करके सनातन धर्म की रक्षा की। और प्रतिष्ठा कैसे की, देखो जितने भी देवता देवी हैं जिसका हम लोग अभी पूजा करते हैं सबके पूज्य कृष्ण हैं, ये भागवत में प्रमाण किया। ये गणपति का नाम जानते हैं, गणपति है नहीं है, गणपति जी पार्वती जी के बेटे हैं, शंकर जी के बेटे हैं, बड़े सुंदर थे, मनुष्य सा चेहरा था। और गणपति माने गण के पति, गण माने प्रजातंत्र, प्रजातंत्र किसको कहते हैं, मूर्ख विद्वान पढ़े लिखे जितने जो जैसे हैं सबको वोट का अधिकार है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, कोई भी नहीं, तो भी उसका वोट का अधिकार है। जितने मूर्ख के दल हैं वो सभी जिसको वोट देंगे वही प्रेसिडेंट बन जाएगा, वही प्रधानमंत्री बने जाएगा, उसका इलेक्शन में लड़ जाएगा। इसको कहते हैं प्रजातंत्र, गणतंत्र। भले ही एक्सपर्ट न हो, पहले क्या होता था, एक्सपर्ट व्यक्ति देश का राजा होता था, शासन संभालता था, धर्म की रक्षा करता था। गणतंत्र में यह होना असंभव है। जो आज के ये देश को चला रहे हैं विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनके पास में पैसे हैं, पैसे से उसको ऊंचा उठाया, आज तक वोट में हार जाएंगे और दूसरे राजा बन जाएंगे, कहेंगे तुम हटो यहां से, देश खाली करो, ये तो गणतंत्र है। तो पहले तो ये थे मनुष्य रूप में, इन्होंने क्या किया, एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी और इनको कहा जिस बेटे दरवाजे पर खड़े रहना, कोई आने मत पाए। स्नान करने लगी घर में स्नानागार में और ये बाहर में पहरा देने लगे। इतने में शंकर जी आए, अरे पार्वती जी कहां गई, मेरी पत्नी कहां गई, खोज रहे थे। जब स्नानागार में जाने लगे तो रोक दिया इस लड़के ने, आप नहीं जा सकते। क्यों, अरे मैं नहीं जा सकता, नहीं माता जी स्नान कर रही, हमको यहां रखा इसलिए मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अरे मैं उसका भर्ता हूं, स्वामी हूं, हमसे उसे कोई अंतर नहीं है, नहीं जाने दूंगा। तो शंकर जी ने क्या किया, तुलसी लिया और गला काट करके फेंक दिया। और पार्वती जी को पता लगा तो रोने लगी, अरे ये आपने क्या कर दिया, हमारे बेटे को मार दिया, हमारा बड़ा प्रिय है। अच्छा तो जब रोने लगे, अच्छा तो एक बात करो, कोई सामने मिल जाए उसी को ले आओ, हम उसका सिर इस पर रख देंगे। देख हाथी जा रहा था मदमस्त, बस पार्वती जी ने उसको ले आए, शंकर जी ने त्रिशूल से इसका गला काट करके और इनके ऊपर में बैठा। शरीर है मनुष्य का, यदि कोई व्यक्ति मनुष्य का शरीर होने पर भी भगवान का भजन नहीं करता, आत्मा तत्व नहीं जानता है, तो मनुष्य का शरीर होने से पशु है। किंतु ऐसे गणेश जी इतने जगत में पूज्य कैसे भय, कारण क्या, इसलिए विद्या बुद्धि खूब थी। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जरा व्यास के पास में जाओ, व्यास पुराण और वेदों का विभाग किया है,
और पुराणों को लिखाएगा, भागवत को लिखवाएगा, कोई लेखक नहीं है, तुम जरा लिख देना, तो तुम विद्वान आदमी है, विद्या का तुम पति है, बहुत बुद्धिमान है। क्या हुआ, क्या है वहां पर, रख दो ना, उधर में रखो। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी के आदेश मान करके आए, किंतु उन्होंने ब्रह्मा जी को तड़ाके से उत्तर दिया, यदि कोई लिखवाएगा हम लिखेंगे, हम लेखक नहीं हैं, हम तो विद्या के मालिक हैं, किंतु यदि कोई लिखवाएगा लिखेंगे, किंतु बीच में बंद नहीं होना चाहिए, बंद होने पर फिर मैं नहीं लिखूंगा, छोड़ दूंगा। तो ब्यास जी ने कहा, जी ठीक है, किंतु एक बात करना, मैं लिखवाऊंगा, किंतु समझ बूझ करके लिखना, नहीं तो तुम्हारा शीर उड़ जाएगा। अच्छा, तब ब्यास जी सब लिखवाते लिखवाते बीच में ऐसा श्लोक बोलते थे जो सहजी समझ में नहीं आए, बदंती तत्विदस्तम जज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, सोचने थे क्या इसका अर्थ होगा। अतः तब ब्यास जी ने 1000 श्लोक बना करके रख लिया, और जब थोड़ा सा समझे तो झड़ ऐसे, इसको कहते हैं व्यासु, पुराणों में उपनिषदों में इधर उधर में सब जगह ऐसे उसको अटका देते हैं। और इस जब भागवत लिख लिए, जब भागवत का अर्थ समझा, जगत पूज्य बन गए। भागवत के लिखने से, उस भागवत में, रामायण में, पुराण में राम नाम कृष्ण नाम सार है, 1,00,000 श्लोक है, सब लोग लड़ने लगे, मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा। जब लड़ने लगे, शंकर जी आ गए, बोले भाई लड़के किस लिए हो, तो हम लेंगे हम लेंगे। अच्छा एक बात करो, इसको मैं विभाग कर लेता हूं, लड़ाई मत करो। 1,00,000 श्लोक रामायण के उन्होंने 3 भाग कर दिए, तो कितना कितना हो गया, 33,000 हो गया, 1,000 बाट लिया। फिर उन्होंने 1,000 को उन्होंने 3 भाग किए, तो कितना हो गया, 333, अब कितना बच गया, 1 श्लोक। 1 श्लोक में 4 चरण होते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत, ये 4 चरण इस अनुष्टुप छंद, एक एक दे दिया। अब एक रह गया चरण, एक चरण में 8 अक्षर होते हैं, तो 2-2 अक्षर दे दिए, और कितना बच गया, 2। अरे ये मैं नहीं दूंगा, यही कृष्ण या राम नाम है, ये अपने लिए हृदय में रखूंगा, इसे समस्त वेद शास्त्रों का सार क्या है, इसी को 3 बार परिक्रमा करने से भूमंडल की परिक्रमा हो जाती है और विश्व ब्रह्मांड की, ऐसा समझ करके उन्होंने परिक्रमा की और देवताओं में सबसे पूज्य बन गए। ये पूज्य होने का कारण है ये सब, इसलिए इन सब के आराध्य कौन है। एक समय की बात है, रामचंद्र जी का आविर्भाव हुआ था, रामचंद्र जी दंडकारण्य में पिता का आदेश पालने के लिए जंगल में गए थे, उनके साथ में सीता जी थी और लक्ष्मण थे, वनवासी जैसा वेश बनाया था, और रावण सीता जी को हरण करके ले गया। अब उस समय में श्री रामचंद्र जी रो रहे हैं, पागल हो गए, मेरी सीता कहां गई, मेरी सीता कहां गई, हाशिते हाशिते हिरणों से पूछ रहे हैं, गोदावरी के घाट से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, रोज इधर से जाती थी कहां गई। और लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे, उनके समझ में नहीं आता है कि कैसे इनको सांत्वना, पागल बन गए। उसी समय शंकर जी आए, शंकर जी आने के बाद देखा जो उनके प्रभु ऐसे लीला कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए, गदगद होकर के उनकी बहुत दूर से परिक्रमा की, 3 बार 4 बार, और प्रणाम करके जब जाने लगे तो सती जी उनके साथ में थी। सती जी ने कहा, प्रभु आपने किसको प्रणाम किया, अब तो मैंने परब्रह्म अपने उपास्य को प्रणाम किया। अरे जिसकी स्त्री को चुरा करके रावण ले गया मैं जानती हूं, और ये नहीं जानता है अज्ञानी व्यक्ति, उसके लिए हाय सीते हाय सीता कर रहा है, तो ये परब्रह्म कैसे है, ये परब्रह्म नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, जे बेट प्यारी प्रियतमे, तुम परीक्षा कर सकती हो, हमारे ये परब्रह्म ही है, मैं तो चल रहा हूं,
यदि परीक्षा करनी है तो परीक्षा कर लो। शंकर जी आगे बढ़ गए और उनकी स्तुति करने लगे, उनका ध्यान चिंतन करने लगे, प्रार्थना, और एक वट वृक्ष की छाया में खड़े हुए पास ही। और इन्होंने सोचा कि मैं परीक्षा करूं, क्या कैसे परीक्षा करूं, अच्छा तो मैं सीता जी का रूप धारण कर लूं और उनके पास में जाएंगे तब हमको पकड़ेंगे, आलिंगन करेंगे और सोचेंगे जी ये मिल गई मिल गई सीता जी। यदि साधारण मनुष्य हुए और परब्रह्म होंगे तो हमें जान जाएंगे कि मैं सती जी हूं। वो रामचंद्र जी तो विलाप करके घूम रहे हैं और ये सती जी ने सीता जी का रूप बनाया और उनके निकट में गई, किंतु उन्होंने देखा नहीं, इधर उधर चलने लगे। फिर उधर से उधर से उधर में जाती हैं, फिर उधर से उधर में चले जाते हैं, उधर से फिर से सामने आती हैं। अंत में जब उनके सामने आकर के खड़ी हो गई तो उन्होंने कहा जी माता जी हमारे शंकर जी किधर गए, महादेव जी आप अकेली यहां पर क्यों घूम रही हैं, उनको प्रणाम किया। अरे ये कैसे जान गया, झट समझ आ रही ये तो परब्रह्म है, नहीं तो कैसे जान सकता था। बस उनके चरणों में झुकी, जब ही झुकी तभी देखती हैं क्या, जितने पेड़ पौधे जितने हैं सब के सब जगह में सीताराम को देख रहे, सीताराम में सब जगह देख रहे, सीताराम 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 चार। और बड़े प्रेम के साथ में दोनों का मिलन हो रहा है। थोड़ी देर के बाद में उठी, जब हाँ ऐसे ऐसे क्या देखा जो वही राम विलाप कर रहे हैं, हाँ सीते तू कहां गई, यही क्या कहा, बस झुक करके प्रणाम, बड़ी लज्जित हुई। अब रामचंद्र जी फिर से सीते सीते कहते हुए घर में चले गए और ये शंकर जी के पास में जब मिली, शंकर जी ने कहा कुछ परीक्षा की, हे नाथ मैं क्या परीक्षा करूंगा, आप जो कहते हैं वही सत्य है, झूठ बोली अपने गुरु से और पति से। शंकर जी ने कहा जिन्होंने माता का रूप बनाया अब मेरी भार्या बाएं तरफ में नहीं बैठेंगी, अब इनके सामने हमारा आसन रहेगा और ये मेरी मैया बन गई, आज इनसे स्त्री पुरुष का कोई अब संबंध नहीं रहा। मनी मनी उन्होंने प्रतिज्ञा की आज से ये मेरी मैया का रूप धारण किया, इसलिए मैया के रूप में देखूंगा, पत्नी के रूप में नहीं। इतने में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और आवाज हुआ दैववाणी, शंकर आप धन्य हैं, आपके समान ऐसा कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। सती ने कहा प्रभु आपने कैसी प्रतिज्ञा की, शंकर जी कुछ नहीं बोले। जब आपने आसन पर लौटे आश्रम में, सीता जी उनको सामने आसन, ओ अब मुझको ये माता का व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये गलती से गुरु से मैंने झूठ बोला और उन पर बात पर विश्वास नहीं किया। जो गुरु के बात पर विश्वास नहीं करता, और गुरु भी ऊंचा है सदगुरु है, उसके बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो एक अपराध, और उसकी बात को नहीं मान करके उससे झूठ बोल करके, झूठ बोलना ये तो बड़ा भारी महापातक है। जैसे जो अपने गुरु को कंट्रोल करते हैं झूठ बोलते हैं, जो उनके बातों पर विश्वास नहीं करते वो शिष्य नहीं वो क्या है, महापाषंड है। ऐसे दुष्टों का कभी भी संग भगवान न दे। इसलिए सती जी ने देखा जैसे अब तो हजारों वर्ष हो गए, अब वो संबंध नहीं, और शंकर जी एक एक समाधि में हजारों वर्ष बिताने लगे, समाधिस्थ हो जाते। अब सती जी बड़ी व्याकुल हो गई, अब तो हमको पति रूप में नहीं ग्रहण करेंगे, इसलिए उनके घर पर उनके पिता के यहां यज्ञ हो रहा था, वहां पर जाने के लिए आदेश मांगा, इन्होंने आदेश नहीं दिया। देखो पिता के पास में बिना निमंत्रण के जाए, गुरु के पास में जाए, किंतु यदि विद्वेष करता है पति के साथ में वहां नहीं जाना चाहिए पत्नी को, तो वो हमसे विद्वेष करता है झूठ मूठ को, मत जाओ। किंतु माना नहीं गई और जाकर के देखा जी शंकर जी का यज्ञ में भाग नहीं है, अपने घर अपने शरीर से योग से समाधि से आग निकाल करके उसमें भस्म हो गई। फिर दूसरे जन्म में हिमाचल के घर में पार्वती हुई, तब फिर उन्होंने अंगीकार किया। इसलिए ऐसे ये शंकर जी के कैसे हैं उपास्य हैं राम, वही राम कृष्ण के लीला में वो कृष्ण का दर्शन करके रास में मिलना चाहते थे, जाना चाहते थे, ये रास दर्शन कृष्ण का योग माया की उन्होंने उपासना की, उन्होंने ब्रह्म कुंड में उनको डुबा दिया तो गोपी बन गए।
गोपी बनकर कहा जी यहीं पर खड़े रहो दर्शन करना, किंतु दर्शन करने पर उन्होंने देखा जो रास में आनंद नहीं आ रहा, कोई विजातीय व्यक्ति है। ढूंढा तो वही गोपी बने हुए शंकर जी थे, पकड़ करके गुलचों से मार करके गाल फुला दिया शंकर का। पूछा जी तेरा खसम कौन है, पति कौन है, बतला उत्तर नहीं दे सके, तुम किसकी लड़की, कौन गोप की लड़की है, तुम्हारा पिहर कहाँ है? नहीं बता। यदि कहते हैं पिहर कहाँ है, बरसान में, और तुम्हारे पति का घर कहाँ है, तो नंदगांव में, तुम्हारा पति कौन है, श्याम हमारा पति है, तब तो वो छोड़ देती, किंतु कोई बतला नहीं से संबंध ज्ञान गुरु नहीं किया था ना, वो तो केवल रूप बनाया था। ये शंकर जी को पीछे से स्थान दिया तो गोपीश्वर बन करके वहां पर वृंदावन में चौकीदारी करते हैं, किसका, वृंदावन की चौकीदारी। तो शंकर जी के आराध्य को क्यों नहीं भजन करें ना? इसी तरह से ब्रह्मा जी को देखो, इंद्र को देखो, मान मर्दन किया, ब्रह्मा जी का क्या किया, छक्के छूट गए, उनको समझ ही नहीं सके जैसे ये कितना इनका महत्व है। अभी हमारे शुभानंद ब्रह्मचारी जी, कृष्ण ने कैसे इंद्र का मान मर्दन किया, जो इंद्र की पूजा होती है, और कैसे ये ब्रह्मा जी का मोह दूर हुआ, जो जगत के पूज्य हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों के आराध्य कौन है, कृष्ण है, इन सब के लीलाओं का वर्णन करेंगे। और दुर्गा जी है ना, गोकुल में कृष्ण के साथ में एक लड़की भी पैदा हुई जोग माया, और हमारे वसुदेव जी ने लड़के को रख करके दोनों लड़के एक हो गए और लड़की को ले आया। जब कंस उनको मारना चाहा तो आकाश में क्या हो गई, अष्टभुजा दुर्गा, और अपने पैर के ठोकर से ऐसे कंस को मारा, ये तू क्या हम उसको मारेगा, तेरा मारने वाला हमारा स्वामी प्रभु है, जगत का प्रभु है, वो दूसरी जगह जन्म ले लिया, सावधान रहो, बस ये करके चली गई। ये दुर्गा जी भी कौन है, कंकाली जी वहां पर हैं, कंस की काली को कंकाली कहते हैं, अभी मथुरा में है, पाताल देवी भी हैं वहां पर भूतेश्वर के पास में, ये सब जितने देवता देवी हैं ब्रज में सब कृष्ण की सेवा करते हैं, यहां तक कि प्रयाग, हरिद्वार, कन्याकुमारी, जितने भारतवर्ष में विश्व में तीर्थ हैं, सब कृष्ण की आराधना करने के लिए मथुरा धाम में आए हैं, अब उनकी सेवा कर रहे हैं। जब आप लोग कभी ब्रजमंडल में जाएंगे तो हम दिखलाएंगे कि कौन कौन से देवता कहां कहां पर कैसे कैसे उनके पास, ऐसे कृष्ण का जो भजन नहीं करता उनसे दुर्भागा जगत में कोई नहीं है। और हमारे श्रीमान शुभानंद जी पहले ब्रह्म मोहन को संक्षेप में बतला करके और फिर तब बतलाएंगे इंद्र का मन, ये दोनों के समय यदि समय होगा तो नवीन जी भी एक और आप भी एक कोई कुछ आपको भी बताऊंगा। ओम अज्ञान निरंधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै गुरवे गौरचंद्राय रुचिकर कृष्णा कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म में असंख्य कोटि जन्मों की ज्ञापन करता हूं, तदनंतर उपस्थित प्रिय वैष्णव वृंदन, समस्त सज्जनों, माताएं बहनों, सबको यथाजुद्ध मेरा प्रणाम स्वीकार। अभी अभी आपने श्रील महाराज के मुखारविंद से अमृतमय वाणी का श्रवण किया है। जिस सनातन धर्म के आराध्य पुरुष भगवान श्री कृष्ण चंद्र उनकी महिमा का वर्णन करते जितने भी विश्व भर के देव देवी हैं, वे सभी जिनकी आराधना करते कृष्ण ही एकमात्र परब्रह्म, वेदे रामायण
पुराने भारते तथा आदा बंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीत। वेद रामायण पुराण महाभारत सभी शास्त्रों के आदि मध्य और अंत में भगवान श्री हरि के गुणगान का वर्णन हुआ। समस्त भक्त जनों ने प्रभु के गुणों का कीर्तन किया, उनकी महिमा का वर्णन किया। जितने भी विश्व भर में जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, उन सभी में भगवान कृष्ण ने ही केशवधृत मीन शरीर, केशवधृत कुरुम शरीर, केशवधृत वराह शरीर, केशवधृत केशवधृत नरसिंह रूप, केशवधृत भृगुपति रूप, केशवधृत राम शरीर, केशवधृत हरधर रूप, जय जगदीश। भगवान कृष्ण ही युग युग में अवतरित हुए। जब जब विश्व पर धरती पर कोई भी आपत्ति आई है, ऐसी परिस्थितियों में प्राणियों को बचाने के लिए, जीवों की संरक्षा के लिए, भक्तों के पालन के लिए प्रभु का अवतार हुआ। उन सभी अवतारों में भगवान ने विविध अवतार धारण किए। उनमें पहले मनुवंश में भगवान का बहुत से अवतार हुआ। उन्होंने जैसे जैसे लीलाएं की हैं, उनसे कहीं अधिक मानव लीलाएं की। मनुष्यों के समाज में, मानव कुल में भगवान अपनी लीलाओं को, गुरु वृंदावन की लीलाओं को प्रकट किया है। जो नित्य धाम साके धाम है, अयोध्या राम लोक है, वहां से प्रभु श्री रामचंद्र आए और इस धरती में अवतीर्ण हो करके अपने करुण लीलाओं के द्वारा समस्त भक्तों के चित्त मन प्राण को आकर्षित कर लिया। इसी प्रकार भगवान कृष्ण जो गोलोक बिहारी श्री हरि है, गोलोक नाम ने निज धाम तले चतस्य देवी महेश हरि धाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च देव गोविंद मादि पुरुषम तमहं भजामि। केवल यही धरती ही नहीं है, इससे ऊपर और भी बहुत से लोग हैं। जो कि कहा है ये 14 भुवन जो है यह एक ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत करोड़ ब्रह्मांड जिनके एक एक रोम रूप से निकलता है और भगवान के श्वास लेने से भगवान में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे अनंत करोड़ ब्रह्मांड उन सबसे ऊपर में है गोलोक धाम वृंदावन, जहाँ भगवान नित्य विराजमान है, अपनी नित्य लीलाओं को प्रकट करते। वहां से भगवान श्री हरि इस धराधाम में आते, इसलिए कहा गोलोक धाम में अपना निज धाम गोलोक धाम। उसके नीचे है हरि धाम जो वैकुंठ लोक कहता है। उस वैकुंठ लोक के नीचे है महेश धाम जो शिव लोक कहलाता है, सिद्ध लोक कहा जाता है, पर उसके नीचे है यह देवी धाम। इस प्रकार समस्त धामों में जो अपने प्रभाव को विस्तार किए हुए हैं, वो है पर ब्रह्म श्री कृष्ण। ऐसे जो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण वे गोलोक धाम से अपने लीला परिकर को, धाम को, सब कुछ यहाँ पर अवतीर्ण कराते हैं और यहाँ आकर के प्रभु लीलाओं को प्रकट करते हैं। इन लीलाओं के द्वारा भक्तों के प्रेम को, भक्ति को ग्रहण करते हैं, उनके प्रेम का आस्वादन करते हैं और वही प्रभु हदारी गति दायक बन करेंगे। जितने भी दुष्ट दैत्य दानव हैं, जो अत्याचार करने वाले, उन सब का संहार करके उन्होंने मुक्ति दान की, जो और किसी अवतार में संभव नहीं वह कृष्ण अवतार में करके दिखाया, सबको मुक्ति दी। और उससे भी कहीं अधिक उतना जैसे राक्षसी को धात्री गति दे, इसलिए श्री उद्धव जी कहते हैं कौन वा दयालु शरणम ब्रजे। ऐसे विश्व संसार में कौन दयालु हो सकते हैं कि एक राक्षसी को मार करके उन्होंने ऐसी गति दी। इस प्रकार जितने भी असुर आए उन सब को मारा और भक्तों के प्रेम को बढ़ाया, उनके प्रेम का आस्वादन किया। इसी प्रकार अभी अभी आपने श्रवण किया अघासुर एक असुर था। मूल समय पाने तो पीछे समय नहीं रहेगा।
तो इस प्रकार अघासुर को मार करके उन्होंने मुक्ति दे, उसे देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये क्या बात है, ये असुर पाप की मूर्ति उसके मुंह में प्रवेश कर गए और उसको मुक्ति दे दी। ऐसे पाप की मुक्ति हो जाए तो कौन, ये तो देखने के लिए ऊपर से उतर करके आए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं प्रभु की परीक्षा लूं, क्या ये परब्रह्म भगवान कृष्ण है अथवा और कोई, या नंदनंदन। इस परीक्षा लेने के लिए जबकि उन्होंने कृष्ण के साथ खेल रहे हैं जितने सखा थे सब सखाओं, और बछड़ों को चुरा करके कंदरा में रख पत्थर का ढक्कन लगा दिया माया के द्वारा, वहां सुला एक बरस के लिए निकल गए। इतने में कृष्ण ने देखा अच्छा हमारी परीक्षा लेने आए। तब उन्होंने क्या किया, जितने भी सखा और बछड़े थे सबका वेश बना करके वैसे ही बन गए, बन करके स्वयं अपने के साथ अपने द्वारा स्वयं ही लीला विलास कर दिया। जितने भी ब्रजवासी जन थे जिन लोगों के अंदर में ये अभिलाषा थी कृष्ण मेरे पुत्र बन जाए और मेरे घर में आकर के मक्खन खाए, मेरे घर में मेरा पुत्र बन करके मेरा लाड प्यार को स्वीकार करे, इस प्रकार प्रभु सब माताओं का स्तनपान किए, गायों के दुग्ध पान किए और एक बरस तक लीलाए। ब्रह्मा जी आकर के कंदरा खोल करके देखा कि अरे सब बछड़े और सखा सोए हुए हैं और वहां प्रभु लीला कर रहे हैं, ये तो बड़ी विचित्र बात है। ब्रह्मा जी ने बार बार अवलोकन किया, जांच पड़ताल किया कि नहीं बात सही है, साक्षात होकर के प्रणाम किया, भगवान के अतुल ऐश्वर्य वैभवों को देखा, देखते देखते आश्चर्य में पड़ गए, तब क्षमा मांगने लगे, बोले प्रभु हमने गलती की है, हमने भूल किया, आपको हम समझ नहीं सके। जो लोग चिरकाल तक अन्वेषण करते हैं आज तक उनको भी पता नहीं चला, इसलिए नौवे तड़ी लम पर आ गए। मेघ श्यामल कोमलांग, हे कृष्णचंद्र, हे प्रभु आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा करें। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष आज तक ढूंढते रहे आपको पता नहीं चला, न ढूंढ करके पाए। जो लोग भक्ति के मार्ग को छोड़ करके दूसरे रास्ते में गए आज तक भूसा कूटने के बराबर तो उनका ऐसे ही बैठ चला गया है। इसलिए हे प्रभु मैं छोटा सा बालक साढ़े तीन हाथ का मात्र, और इसी के अंदर का जानता हूं बाहर का नहीं, आप तो अनंत करोड़ ब्रह्मांड के अंतर्यामी हैं, आप नारायण हैं, सबके आश्रय हैं, हमारे भी आश्रय हमारे भी पिता, इसलिए आप हमारे प्रति क्षमा करें। कोई कहता है कि मैं जानता हूं प्रभु को, भगवान को नहीं जानता, वे जाने परंतु मनुष्य वपुषो वाच वैभव तब गुरु, मन वाणी और शरीर के द्वारा आज तक मैं आपके वैभव को जान नहीं सका, इसलिए हे प्रभु इन ब्रजजनों का कितना सौभाग्य है, उनके आप वशीभूत हो गए, उनके प्रेम के अधीन बन गए, छोटे से बालक बन करके उनके वात्सल प्रेम का आस्वादन किया, उनके भक्ति रस का आस्वादन किया, बड़े बड़े यज्ञों में पूजा होती रही, परंतु आज तक उसमें आप तृप्त हुए या नहीं ये हमें पता नहीं, इसलिए इस ब्रज में हमें कहीं ऐसा जन्म मिल जाए। तद भूरी भाग्य जन्म किम पटव्या जब गोकुल अभी कतमान नहीं रजो भी सीखा, कि इस ब्रजभूमि में कहीं भी किसी एक प्रांत में हमारा जन्म हो जाए और यहाँ जो ब्रजवासी जन उनमें से जो साधारण श्रेणी के भी हैं उनके चरण धूल हमारे सिर पर पड़ जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बोले क्यों, जब जीवितम तुम निखिलम भगवान मुकुंद, ब्रजवासियों ने कृष्ण को अपनाया था कि कृष्ण मेरे, ऐसा अपनाया था कि उनके प्राण स्वरूप जिनके जीवन स्वरूप, इसलिए प्राण स्वरूप प्राणों के रूप में उनको अपना लिया, कृष्ण मेरे मेरे पुत्र मेरे सखा मेरे प्राण, इस प्रकार
उन ब्रजवासियों ने कृष्ण को अपना, उनके भक्ति में भगवान वशभूत हो गए। ब्रह्मा जी ने इसलिए प्रार्थना की कि ऐसे ब्रज में कहीं धूल होकर के, गुलमलता होकर के, पहाड़ पर्वत होकर के कुछ भी हमारा जन्म हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। इसलिए कहते हैं जिनके अंदर ऐसी भक्ति, जिनके अंदर भावना है, कृष्ण को पुकारते हैं, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे, तत्क्षणा वे उन्हीं के बन जाते हैं, उनके प्रेम के भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। जो विश्व ब्रह्मांड के अधिनायक देवता लोगों ने गर्भ स्तुति में कम से कारागार में स्थाव स्तुति प्रार्थना की, हे प्रभु आप बहुत से अवतारों में अवतरित किए, परंतु इस समय जो भक्तों को करुणा करने के लिए आपका अवतार है, उनके प्रेम को आस्वादन करने के लिए हम आपकी लीलाओं का केवल दर्शन कर सके, इसलिए ब्रज में बड़े बड़े देवता लोग आए, सब हाथ मान गए, कृष्ण को प्रणाम करते रहे, स्तव स्तुति प्रार्थना करते। जब कृष्ण गोचारण में जाते हैं तब लौटते समय पति वृद्ध जने स्थान स्तुति, ब्रह्मा शिव आदि देवता लोग हाथ जोड़कर उनकी स्तव स्तुति प्रार्थना करते। देवराज इंद्र ने अपने बल पर स्वाभिमान रखता था, क्योंकि नंद बाबा के पूर्वज लोग वे देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। इंद्र को यह अभिमान था कि मैं त्रिलोकी का राजा, इसलिए लोगों ने प्रसिद्ध थी कि इंद्र की पूजा करने से पानी बरस जाएगा और हम सब की खेती बाड़ी होती है, हम सब लोग आराम से रहते हैं और देश में अकाल नहीं पड़ता है, शांति बनेगी। तो वैसे ही हुआ, देवराज नंद महाराज जी पूर्वजों की प्रथा के अनुसार देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे। कृष्ण ने पूछा कि बाबा इंद्र की पूजा करने से क्या होता है, तब नंद बाबा ने साधारण उनसे कहा कि हमारे पूर्वजों ने किया है, हम भी करते हैं। इंद्र की पूजा करने से वे प्रसन्न होकर के पानी बरसाते, खेती बाड़ी होती है, अन्न जल इत्यादि मिलता है, गौओं का पालन होता है, सभी लोग जीवन धारण करते हैं, सबकी खुशहाली होती है, इसलिए हम उनको प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं।